पूरी बागबान ब्रदरी के जुमला व्यापारियों ने कसीर तादाद में इस पदयात्रा में शामिल रहकर तासीर हुसैन उस्ताद साहब की गुलपोशी की और उन्हें हिम्मत अफजाई दी कि इंशाल्लाह पूरी बिरादरी आपके साथ है, हम आपको वोट देंगे और इंशाल्लाह जिता कर लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी प्यार मोहब्बत खुलूस के साथ यहाँ पर जितने भी दुकानों से हमने मुलाकात की, मैं समझता हूँ कि 150-200 से ज़ायद लोगों ने मुझे शॉल और फूल पहनाया है और उनके चेहरों में एक खुशी और एक उम्मीद, एक भरोसा है। इंशाल्लाह आज जो बागबान बिरादरी की मोहब्बत, उनका खुलूस, उनका प्यार देख के मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आज गुलबर्गा शहर के अंदर जनता दल सेकुलर की कामयाबी 100% होने वाली है और कोई उसको रोक नहीं सकता। नौजवानों में, बुजुर्गों में भरपूर जोश दिखा और बहुत जो है ना जोश के साथ, गर्म जोशी के साथ नासिर उस्ताद का जो है ना इस्तकबाल हुआ। मेरे साथ और मिल्लत के साथ, गरीबों के साथ, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ इंसाफ करने के लिए उन्होंने जो ऐलान किया है, जब तक जिंदा हूँ आपकी बिरादरी के साथ खड़ा रहूँगा मजबूत हुए कि इस बार नासिर हुसैन उस्ताद साहब को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय रायदान मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स, अरेबियन, टर्किश, मिडिल ईस्ट, ग्रैंड इंटीरियर, जेन्युइन स्पाइसेस, हाइजीनिक किचन, एड्रेस टीपू सुल्तान चौक, रिंग रोड, गुलबर्ग।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब नमस्ते। आज गुलबर्गा के सुपर मार्केट न्यू वेजिटेबल मार्केट में हमारी यहाँ पर पदयात्रा हुई। यहाँ के जिम्मेदार बागबान बिरादरी के जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक साहब, इंजीनियर वेजिटेबल मार्केट के सदर इकबाल साहब बागबान, तोला भाई, यहाँ के तमाम जिम्मेदार अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यार मोहब्बत खुलूस के साथ यहाँ पर जितने भी दुकानों से हमने मुलाकात की, मैं समझता हूँ कि 150-200 से ज़ायद लोगों ने मुझे शॉल और फूल पहनाया है और उनके चेहरों में एक खुशी और एक उम्मीद, एक भरोसा है। इंशाल्लाह आज जो बागबान बिरादरी की मोहब्बत, उनका खुलूस, उनका प्यार देख के मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आज गुलबर्गा शहर के अंदर जनता दल सेकुलर की कामयाबी 100% होने वाली है और कोई उसको रोक नहीं सकता। मैं अपनी जानिब से बागबान बिरादरी का, इलियास सेठ बागबान साहब का, मुश्ताक साहब का, इकबाल साहब का, थोला भाई का, तमाम बागबान बिरादरी के पूरे मेरे दोस्त हैं, मतीन भाई दोस्त हैं, हमारे जावेद बागबान साहब, इस्माइल साहब, सब लोगों के नाम जानता हूँ। पहली बिरादरी है जिन्होंने खुलकर ये महसूस किया कि गुलबर्गा के आगे आने वाले हालात में कमज़ोर क़यादत नहीं चल सकती। नाम के वास्ते MLA नहीं होना, काम के वास्ते MLA होना। इसीलिए मेरे साथ और मिल्लत के साथ, गरीबों के साथ, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ इंसाफ करने के लिए उन्होंने जो ऐलान किया है, जब तक जिंदा हूँ आपकी बिरादरी के साथ खड़ा रहूँगा मजबूती से। जो भी मामलात रहेंगे मैं आपके साथ रहूँगा, ये यकीन दिलाता हूँ। आप तमाम लोगों और गुलबर्गा के जो आपके चैनल के जरिए व्यूवर्स कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है। कांग्रेस के झूठे अफवाहों में, कैलकुलेशन में मत जाइए। ये एक मोमेंट निकला है, आप निकले गरीब लोगों के पास। हर कोई नासिर हुसैन उस्ताद का साथ देने के लिए आगे बढ़ रहा है, नासिर हुसैन उस्ताद से उम्मीद लगाए हैं। ऐसा ना हो कि आप वही गलती करें जो पिछली बार किए हैं और पछताना पड़े। और थोड़ी अगर हम साथ देते तो शायद नासिर उस्ताद जीत जाता। आज लड़ाई साफ तौर पर नासिर हुसैन उस्ताद और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, JDS और BJP के बीच में है। कांग्रेस लड़ाई के अंदर है ही नहीं। आप अपने वोट ज़ाया मत कीजिए। इस फिरका परस्त तंजीम को हमको रोकना है और गुलबर्गा शहर के अंदर एक सेकुलर निज़ाम को, सेकुलर माहौल को बरकरार रखना है। इतनी ही मैं अपील आपके जरिए करना चाहूँगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज न्यू वेजिटेबल मार्केट सुपर मार्केट गुलबर्गा में अलाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब, कायद जनता दल सेकुलर उम्मीदवार, जनता दल सेकुलर गुलबर्गा नॉर्थ की एक पदयात्रा, डोर टू डोर कैंपेन जो है ना, तमाम व्यापारियों के साथ जमीयत बागबान के जिम्मेदारों की मौजूदगी में और मार्केट एसोसिएशन के जिम्मेदारों की मौजूदगी में यहाँ पे आज अमल में आई। पूरी बागबान ब्रदरी के जुमला व्यापारियों ने कसीर तदाद में इस पदयात्रा में शामिल रहकर नासिर हुसैन उस्ताद साहब की गुलपोशी की और उन्हें हिम्मत अफजाई दी कि इंशाल्लाह पूरी बिरादरी आपके साथ है, हम आपको वोट देंगे और इंशाल्लाह जिता कर लाएंगे। इस मौके पे मैं तमाम जनता दल सेकुलर के कायदीन और नासिर हुसैन उस्ताद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी मार्केट में हमारे लोगों से मिलने के लिए आए और हमारी बिरादरी के तमाम जिम्मेदारों का और बिरादरी के तमाम अहबाब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने नासिर हुसैन उस्ताद साहब की क़ियादत को कबूल करते हुए उनकी तायद का ऐलान किया है। मैं तमाम अवामुन्नास गुलबर्गे की अपील करता हूँ कि इस बार नासिर हुसैन उस्ताद साहब को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। आज सुपर मार्केट तरकारी मार्केट के अंदर नासिर उस्ताद साहब की गेट टुगेदर, शॉप टू शॉप जाना कैनवेसिंग भी, और हमारे बिरादरी के नौजवान बुजुर्ग और तमाम मार्केट के एसोसिएशन के लोग और हमारे मार्केट बागवान जमात के जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक साहब, जाहिद साहब RTO रिटायर्ड, उन तमाम लोगों की सरपरस्ती में इकबाल साहब डबल ए के मार्केट तरकारी मार्केट के सदर और मोहम्मद सईद मार्केट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, ये तमाम लोगों की मौजूदगी में जो है ना आज गेट टुगेदर तमाम लोगों से मुलाकातें की, कैनवेसिंग की गई नासिर उस्ताद की जनता दल की। उसमें नौजवानों में, बुज़ुर्गों में भरपूर जोश दिखा और बहुत जो है ना जोश के साथ, गर्म जोशी के साथ नासिर उस्ताद का जो है ना इस्तकबाल हुआ और उनको भारी अक्सरियत से जिताने का वादा करे तमाम हमारी बिरादरी के जानिब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब्दुल सईद बागबान
जनरल सेक्रेटरी वेजिटेबल मार्केट के हिस्से से बोल रहा हूँ। हमारे जमीयत बागबान जो हमारी बिरादरी है शहर गुलबर्गा में बहुत बड़ी अहमियत की कामिल है। ये हमारी बिरादरी के सदर इलियास सेठ साहब बागवान और जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद साहब इंजीनियर और तमाम अहदेदारान मिलकर बरोज़े जुमा एक ज़बरदस्त मीटिंग का अहतमाम किया और मीटिंग में जो है ना ये तय पाया कि हमारी बिरादरी जो है ना नासिर हुसैन उस्ताद के हक़ में काम करेगी और उन्हें वोट डालेगी और जिता कर लाएगी। इस बात से हमारी बिरादरी का छोटा बड़े से बड़ा हर कोई मुत्तफिक है और एक राय पर मुत्तफिक होकर हम लोग नासिर हुसैन उस्ताद को वोट डालेंगे और उनको जिता कर भी लाएंगे। और वक्त और हालात ऐसे हैं, आने वाले दिनों में हालात बहुत ख़राब है, इसलिए जो है ना अजान का मसला उठ सकता है आने वाले दिनों में, एक्सा सिविल कोड का मसला उठ सकता है, हिजाब का मसला उठ सकता है। अगर उसका कोई मुँह तोड़ अगर जवाब देने वाला है बोले तो वो सिर्फ नासिर हुसैन उस्ताद है, इसलिए हम नासिर हुसैन उस्ताद को वोट डालकर भरपूर ताई से ज़्यादा वोट डालकर जो है ना हम नासिर हुसैन उस्ताद को जिता कर लगाएंगे। वालेकुम, मैं अब्दुल अहमद बागवान डबल ए के मार्केट प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। कमर साहब का इंतकाल हुआ, कमर साहब की सियासत भी इंतकाल हुई, कमर साहब का काम भी इंतकाल हुआ, लिहाजा अपील करता हूँ मैं पूरे बिरादरी को नासिर उस्ताद को वोट दो के कमर साहब की सियासत और काम जिंदा रखो, बस कहता हूँ। आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी बिरादरी के लोगों का और मार्केट के जो कारोबार करने उन लोगों का, और ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ उससे ज़्यादा जो हमारे बिरादरी के यंग लोगों का जो नासिर उस्ताद को मजबूत करने के लिए और मजबूत करने के लिए उनके साथ में खड़े हैं। ये इलेक्शन ना कांग्रेस का है ना जेडीएस का है, ये इलेक्शन मजबूत क़यादत का इलेक्शन है जो आप आने वाले वक्त पे आपके साथ खड़े रहने वाला इलेक्शन है। आप कभी भी फ़ोन करो, उस्ताद आपके लिए खड़े रहेंगे। आप या आपके सपोर्ट में आने वाले, इसलिए आपको उनको वोट करना है। इसलिए मैं कहता हूँ तमाम गुलबर्गा से कि वो नासिर उस्ताद को सपोर्ट कीजिए। ये इलेक्शन कांग्रेस को जो वोट डाल रहे गुलबर्गा में जो भी वोट, वो मजबूरी में डाल रहे हैं या तो अपने खुशी से नहीं डाल रहे, सिर्फ ना डेवलपमेंट पे डाल रहे हैं ना क़यादत पे डाल रहे हैं, वो वोट डाल रहे हैं सिर्फ मजबूरी में डाल रहे हैं क्योंकि बीजेपी आती। हम बोल रहे हैं आप नासिर उस्ताद को सपोर्ट करो, नासिर उस्ताद जीत के आती, बीजेपी आती ना कांग्रेस आती, सिर्फ नासिर उस्ताद आते। आप सिर्फ उनको वोट करो, इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह के हाथ में, देना या नहीं देना आप कोशिश करो, इंशाल्लाह कामयाबी हो जाएंगे नासिर उस्ताद।